क्यों खेसारी लाल यादव लगातार पवन सिंह के डिवोर्स वाले मामले में उन्हें टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जब भी खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं वो कहीं ना कहीं से पवन सिंह पर टोंट करते हैं। लगातार खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर टोंट कर रहे हैं। जी हाँ, टोंट यानी कि किसी को ताने कसना। अब आप ये कहेंगे कि क्यों खेसारी लाल यादव ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा एक दो महीने से नहीं, पिछले 4-5 महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि खेसारी जब भी लाइव आते हैं या फिर अपने लाइव के शुरुआत में या लाइव के बीच में या लाइव ख़त्म होते होते कुछ न कुछ ऐसा पवन सिंह के बारे में बोल जाते हैं कि इसे दर्शक ये समझ जाते हैं कि ये पावर स्टार पवन सिंह के लिए बोला गया है। हाँ, यहाँ भले ही पवन सिंह का नाम नहीं लेते हैं, फिर वो चाहे एक पत्नी वाली बात ही हो, एक लाइव में पवन सिंह के का नाम लिए बगैर यहाँ पर खेसारी ने जो कहा, इसे आप भी सुनिए। जहाँ पर खेसारी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो 2-4 पत्नियाँ नहीं रखते, उनका एक में ही गुजारा होता है और वो एक से ही खुश है। हम शादीशुदा हैं और भगवान ने एक बीवी दिया है मुझे और हम उसमें खुश हैं और वही जीवन भर रहेगी। हमें 10 करने की आदत नहीं है और ना ही हम 10 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में एक से ही जीवन पार लग सकता है। अगर हमारे अंदर संस्कार है तो अनसंस्कारी के लिए 75 भी हो सकती है, बट नहीं, हम जिसका हाथ थामे हैं उसके साथ जीवन भर चलने की कसम खाए हैं और उसी के साथ फिर ऐसे करते करते खेसारी लाल यादव ऐसे कई लाइव में आते हैं जहां पर वो पवन सिंह को लगातार टोंट करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में फिर खेसारी का ये कहना होता है कि पवन सिंह और उनके जो फैंस हैं उन्हें गालियां देते हैं। भाई, लगातार इस तरह किसी के पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जाएगा तो वो इंसान कब तक चुप बैठेगा? आखिर कभी ना कभी तो वो बोलेगा। फिर पवन सिंह भले ही पीने के नशे में बोले या लाइव आकर बोले, लेकिन बोलते ज़रूर है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।